सीन ऐसा है ना कि हमें शूट करना था, स्लम एरिया को दिखाना था। तो स्लम एरिया ढूंढते ढूंढते हम इस बस्ती के पास, इन लोगों को हिंदी नहीं आती, हमें इनकी लैंग्वेज नहीं आती। इसका फेस रिवील जल्दी करेंगे हम, क्योंकि इसका फेस बहुत मैटर करता है। इसका फेस दिख जाए लोग चुरा के लेके जाएंगे इसे। भाई ये लोग इतने खुश हैं, लेकिन हमारे पास जो सब कुछ है डिप्रेस पड़ा है, कूद है जा रहा है बिल्डिंग से। एक रात में बारिश वगैरह होता है ना, तो पानी फ्लो से वो स्लोप है ना, फ्लो से नीचे आता है। गाइस वेलकम, अभी मैं भीड़ बाईपास पे यहाँ से पूरा सामान वामान निकाल के बैठे हैं हम। तो सीन ऐसा है ना कि हमें शूट करना था, स्लम एरिया को दिखाना था। तो स्लम एरिया ढूंढते ढूंढते हम इस बस्ती के पास पहुंच गए। ये लोग दिवाली के लिए ना कुछ वो डेकोरेशन का सामान बनाते हैं। अब मेरी टीम जो शूट कर रही है वो इनके बस्ती में घुस गई है, झोपड़े में घुस गई है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे है ना, इन लोगों को हिंदी नहीं आती, हमें इनकी लैंग्वेज नहीं आती, फिर भी बातें कर रहे हैं। 1.5 घंटे से बातें कर रहे हैं हम इनसे, और इनको समझ भी रही है हमारी बातें। जस्ट वाओ, अरे तुम देख रहे हो ना, मतलब यहाँ पे तुम जूम करना जरा सा, छोटे छोटे बच्चे हैं इधर, आई डोंट नो स्कूल जाते हैं नहीं जाते, बिकॉज उन्हें लैंग्वेज नहीं समझते अपने। और खुश है वो यहाँ पे खेल रहा है। भाई ये लोग इतने खुश हैं, लेकिन हमारे पास जो सब कुछ है भाई डिप्रेस पड़ा है, कूद है जा रहा है बिल्डिंग से। लेकिन स्टिल जो इनकी ज़िंदगी चल रही है ना, यहाँ पे इन्होंने टेंट डाले और इलेक्ट्रिसिटी के लिए ये लोग क्या करते हैं ना, जो अपनी सोलर प्लेट्स रहती है, देखो सोलर प्लेट्स को बाहर रखते हैं, दिन भर इलेक्ट्रिसिटी स्टोर कर ली, रात में इलेक्ट्रिसिटी बिजली को यूटिलाइज करते हैं। सही है यार, मतलब कॉन्सेप्ट सही है। पर ये जो इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, दिवाली में अपन इनके साथ ही बार्गेनिंग करते रहते हैं। भाई ऐसे जगह पे रहना जहाँ पे तुम्हारे पानी का प्रॉब्लम है, जहाँ पे लाइक तुम्हारे पास सारी फैसिलिटी नहीं है, ना तुम्हें वॉशरूम की सुविधा है ना कुछ है, स्टिल तुम लोग इनके साथ बार्गेनिंग करते हो, इनके प्रोडक्ट के भाव कम करते हो, अच्छी बात नहीं है। एक बार तुम्हें समझना चाहिए कि मॉल से चीज़ें लेते हो इतने भारी दाम में, तो इनसे भी लिया करो यार, बिकॉज इस जगह देखो, रियलिटी देखो, देन पता करो इन सारी चीज़ों। तो ये लोग ये बोल रहे हैं कि जब रात में बारिश वगैरह होता है ना, तो पानी फ्लो से वो स्लोप है ना, फ्लो से नीचे आता है, तब इनको रात भर जागना पड़ता है। तो अगर आप वहाँ पे देखेंगे ना, वहाँ पे इन्होंने ऐसा नाली में जैसा बना है, तो पूरा रात भर ये यही चीज़ करते हैं कि भाई पानी अंदर ना, छत से टपकता नहीं है, लेकिन ये जो नीचे से पानी आता है ना, पूरा गीला करके चला जाता है। और एक बात इन्होंने बोली कि ये जो ये सारी चीज़ें बेचते हैं ना, ये इन्होंने रेट बताया 250 रुपये, तो 200 तक भी नहीं, लोग 100 में रहते हैं, प्रॉफिट में कुछ बचता ही नहीं है ना। और बेचना पड़ता है क्योंकि इतनी दूर से आए, कर्नाटक से आते हैं यार, वहाँ से सिर्फ सीज़न के लिए, एक सीज़न में भी अगर कमा नहीं पाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन हम समझते नहीं हैं इन सारी चीज़ों को, हमें समझना चाहिए। अगर अपन बोलते हैं मिनिमम स्केल को अपने को बढ़ावा देना है, तो ये सारी चीज़ों को जब तक अपन बढ़ावा नहीं देंगे ना, ट्रिलियन इकोनॉमी छोड़ो भाई, अपन अपनी रिसेंट जो इकोनॉमी है ना, उसको ही बूस्ट नहीं कर पाएंगे अगर अपन छोटे मोटे जो सेलर्स से हैं उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। क्योंकि एक तो सोलर ये पूरा सोलर प्लेट लगाता है, सोलर से चार्ज लेता है, फिर वो सोलर बारिश आए तब प्रॉब्लम होगा वगैरह, प्रॉब्लम है। समझिए आप ये बातों को, बिकॉज ये सारे लोग हैं ना, इसकी वजह से जो कॉमन मैन है, मिडिल क्लास लोग है, वो अपने त्यौहार मना पाते हैं। अगर ये सारी चीज़ें अपन मॉल में लेने जाएंगे ना, तो अपना भी बजट बढ़ जाएगा। बजट में तुमको चीज़ें मिल रही है तो उसमें भी बार्गेनिंग कर रहे हो, समझो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अगर दिवाली के लिए कहीं शॉपिंग के लिए जाते हो तो प्लीज़ बार्गेनिंग मत करना, बिकॉज तुम्हारी बार्गेनिंग से किसी और का जो पूरे साल का प्रॉफिट है, पूरे साल का जो कमाई है ना, वो धरी की धरी लग जाती है। तुम्हारे लिए दिवाली हो जाती है, इनकी दिवाली काली हो जाती है। ये जो ये बंदा है, ये हमारा एडिटर है, अब इतना स्पॉट दादा बना हुआ है क्योंकि हमारे पास लोगों की कमी थी, लेकिन बंदा सपोर्टिंग इतना 10-15 किलो का ट्राईपॉड लेके घूम रहा है, ये अपना हमारा लाइट बॉटल्स वगैरह सब। इसका फेस रिवील जल्दी करेंगे हम, क्योंकि इसका फेस बहुत मैटर करता है। इसका फेस दिख जाए लोग चुरा के लेके जाएंगे इसे।